हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवत नगवाल। आप देख रहे हैं ईसर टेलीकॉम देवत नगवाल चैनल। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं ईजी जेटेक के बारे में कि ईजी जेटेक जो रेड है वो कितने का आता है और जो ब्लैक एडिशन है वो कितने का आता है। और अगर ईजी जेटेक में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको जो ईमेट है वो आपको लेना है कि नहीं लेना है, ईमेट क्या होता है। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है, ये मुझे पता चला है बहुत सारे लोगों से कि सर लोग ईमेट खरीदते हैं तो लोगों को लगता है यूएफएस चिप उसके साथ आ रही है। भाई ऐसा सारी चीज़ें मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ कि यूएफएस क्या ईमेट के साथ आता है, ईमेट में 13-1 जो आ रहे हैं वो कौन कौन से बीजी हैं। तो ये सारी है मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप EMC का काम करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने से आपको मिलेगा वो नॉलेज जो शायद आपके टीचर भी ऑनलाइन नहीं दे पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये जो है पूरा कंप्लीट सेक्शन है, इसमें मैं आपको यूएफएस के भी रेट बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि सिंगल यूएफएस कितने रुपए का आता है, आपने अगर 2-in-1 यूएफएस लेना है तो वो कितने का आएगा, 3-in-1 लेना है तो कितने का आएगा। और ये भी बताऊंगा कि अगर आप कंप्लीट बॉक्स खरीदते हैं, भाई मुझे ईजी जेटेक भी खरीदना है, मुझे यूएफएस भी खरीदना है, मुझे ईमेट भी खरीदना है, मुझे सब खरीदना है, तो आपको कितने रुपए का ये पड़ जाएगा। सो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, ये मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले पर मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूं यहां पर, और ये ऑफर है जेडएक्स मलिक की तरफ से। हालांकि आपको कहीं और से भी मिल सकता है, इस दुनिया का कुछ भी नहीं कह सकते दोस्तों, ये दुनिया बहुत बड़ी है। तो मैं बता दूं, जिन जी जाओ अकाउंट, जो कि इसका भी मैंने वीडियो बना चुका है ऑफिशियली इसका, कि कैसे चलाते हैं और कैसे रन करते हैं, नहीं देखा है तो वीडियो लिस्ट में जाइए उसको देख लीजिए। जिन जी जाओ ये उनके लिए जो हार्डवेयर का काम करते हैं, जो ऑनलाइन सर्विस, जिनको नए सर्किट डायग्राम चाहिए रहते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा ऑफिशियली रेट पर जो मिलता था पहले 3664, अब आपको मिल जाएगा मात्र 2916 रुपए में। और अगर आप 3 यूजर्स लेना चाहते हैं, देखो मैं इसमें डिफरेंसेस बता देता हूं कि 1 यूजर 3 यूजर का क्या मतलब है। अगर मान लीजिए मुझे अपने लिए लेना है तो फिर मैं 1 यूजर हूं, फिर मैं अपनी ईमेल आईडी जो रजिस्टर करूंगा सिर्फ उस ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग चल सकता है। आप चाहो तो अपनी ईमेल आईडी किसी और को भी दे सकते हो, पर एक टाइम में, मतलब सेम टाइम में वो दो कंप्यूटर पे नहीं चलेगा। आप चाहते हैं कि भाई मैं भी चलाऊं, मेरा दोस्त भी चला है, तो आप 3 जन मिलकर ये यूजर ये खरीद सकते हैं, जो कि आपको पड़ेगा मात्र 3664 रुपए का, जो कि बहुत कम है दोस्तों, सच बताऊं। क्योंकि आपको पता है ईसर टेलीकॉम अपने स्टूडेंट को कभी नहीं भूलता है और हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ करता रहता है कोर्स के बाद, जो कि कोई नहीं करता है पूरे दुनिया में, मैं तो बोलता हूं देश में ही नहीं। तो ये आपके लिए है 2499 रुपए का। अगर आप ईसर टेलीकॉम के स्टूडेंट हैं, आपको देना है सिर्फ अपनी सर्टिफिकेट और किस ग्रुप में आप, उसका आपको स्क्रीनशॉट, और ये केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो हार्ड वर्किंग लोग हैं दोस्तों, जो मेहनत कर रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, जिनका मोटिव ही आज की डेट में मैं अपने मार्केट का किंग बनूंगा, ये मोटिव से लेकर वो रात भर और दिन भर वो जूझे रहते हैं मोबाइलों में और रात में प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में सारी चीज आपको बताया जाता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है ईजी जेटेक, ईमेट और यूएफएस को लेके, ये पूरा मैं आज क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर ईजी जेटेक प्लस खरीदना है, देखिए मैं ईजी जेटेक कर रहा हूं, वो एक्चुअली ईजी जेटेक प्लस है, बहुत बड़ा शब्द है इसलिए मैं ईजी जेटेक उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं। ऑब्वियस है आज के डेट में ईजी जेटेक क्यों कोई खरीदेगा जब प्लस आ रहा है। मैं आपको बता दूं ईजी जेटेक और ईजी जेटेक प्लस में भी डिफरेंस है। अगर आप ईजी जेटेक प्लस खरीदते हैं ना तो ये नैंड को भी सपोर्ट करता है, ये यूएफएस को भी सपोर्ट करता है। जो ईजी है, जो ईजी जेटेक है, वो इनको सपोर्ट नहीं करता, तो ऑब्वियस है प्लस मतलब कुछ और भी चीज है। तो दोस्तों ये आपको मिल जाएगा मार्केट में, जो हमारे इंडिया के मोस्ट हॉट सेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये आपको उनकी तरफ से जेडएक्स मलिक की तरफ से मिलेगा 16,000 रुपए में। अब ये आगे आपको कहां से कितना रुपए का मिल रहा है वो मुझे नहीं पता है, और आप चाहें तो वो पता कर सकते हैं। तो जेडएक्स मलिक की तरफ से आपको मिल जाएगा 16,000 रुपए का, जिसमें आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एडिशन, जो कि है ईजी जेटेक प्लस, जिसके साथ आपने देख रहे होंगे ये ISP अडेप्टर और एक ई सॉकेट आपको देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप खरीदते हैं रेड एडिशन तो ये आपको मिलेगा 19,000 रुपए में। इसमें मैं ईमेट चला रहा हूं, एक्चुअली ईमेट नहीं चलाना चाहिए मुझे, तो इसके अंदर एक रेड एडिशन भी आता है, आप मान के चलिए मैं दिखा देता हूं, चलिए ये ओके। तो दोस्तों ये आपको रेड एडिशन मिल जाएगा 19,000 रुपए का। देखिए ब्लैक एडिशन हो गया, अब रेड एडिशन, आप सोच रहे होंगे यार इसमें क्या अंतर है। बहुत सारे लोगों ने फोरम्स में ये भी डाला है कि कोई अंतर नहीं है यार, सिर्फ कलर बदला है, या आईसी फ्रेंड इसको कस्टमाइज करके खुद के नाम से बेच रहा है, क्योंकि आईसी फ्रेंड के बाकी भी टूल रेड है तो ये भी रेड डाल दिया। ऐसा नहीं है एक्चुअली, मैं आईसी फ्रेंड ने, देखो ईजी जेटेक तो वही का वही है, ईजी जेटेक के प्रोग्रामिंग में कुछ अंतर नहीं है, प्रोग्रामिंग वही होगी, स्पीड भी ईजी जेटेक की वही होगी, बट जो ईजी जेटेक के अडेप्टर अलग से इन्होंने कस्टमाइज किया। अब यहाँ पे 3 ISP देख रहे होंगे,
तो ये उन्होंने 3.0 यूएसबी कनेक्शन के साथ दिए हुए हैं, जो कि आपके यहाँ इजी जेटेक में जो आईएसपी आते हैं वो 3.0 सपोर्ट नहीं करते, वो 2.0 सपोर्ट करते हैं। मतलब अच्छी स्पीड के साथ आईएसपी में आप फ्लैशिंग कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो, सिर्फ उसको अनलॉक करने या आप उसको बूट राइट कर सकते हो। सबसे मेन जो बूट राइट होता है वो आप कर सकते हो, तो आप समझ गए होगे। तो दोस्तों अगर आप इजी जेटेक प्लस ले रहे हैं तो कन्फ्यूज मत होइए रेड और ब्लैक में, सिर्फ दोनों प्रोग्रामिंग एक ही है, सिर्फ सॉकेट का अंतर है। यहाँ पे आपको 3 हाई स्पीड सॉकेट, आपको आईएसपी अडैप्टर सॉरी, वो आपको मिल जाएंगे 3.0 यूएसबी कनेक्शन के साथ, और इसका जो प्राइस है वो है 19,000 रुपये। और दोस्तों ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 19,000 रुपये का, जो आपको मिल जाएगा मिस्टर जेडएक्स मलिक की तरफ से, इनके पास है अभी रेडी स्टॉक। तो आप समझ गए होंगे कि ब्लैक और रेड में कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ आपके आईएसपी अडैप्टर का अंतर है, जो कि हाई स्पीड आईएसपी अडैप्टर है। और क्योंकि आईसी फ्रेंड कस्टम बना दिया, तो उन्होंने अपने कलर को भी इसमें डाल दिया है कि भाई हाँ मैं रेड हूं तो मेरा इजी जेटेक प्लस भी रेड होगा ऐसा। फिर हालांकि इसके अंदर प्रोग्रामिंग का कुछ भी ऐसा लेवल नहीं है कि हालांकि उसमें प्रोग्रामिंग का ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रोग्रामिंग बदल दिया, कुछ और फास्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ब्लैक कर रहा है वही रेड कर रहा है, सिर्फ खाली फिर से बोल रहा हूँ आईएसपी अडैप्टर का ही अंतर है, वो एक ऐड हुए हैं उसमें 3 अलग, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। सो ये आपका कंफ्यूजन यहाँ पे मैंने दूर किया। अब दूसरी बात बताता हूँ ईमेट के बारे में। दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हमें ईमेट लेना है कि नहीं लेना है, यार अभी मैंने ये इजी जेटेक ले लिया, अब ईमेट का क्या सीन है, यार ईमेट क्यों लेना है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं यार 16,000 का हमने ये भी ले लिया, अब ये अलग से 13.1 क्या लें। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने इजी जेटेक ले लिया है तो अब आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जरूरत है ईमेट की, आपको लेना है, क्योंकि 254BG अडैप्टर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ईमेट के साथ। अच्छा, इसका लेने के फायदे हैं, इसमें 13.1BGA सपोर्टिंग आपको अलग से मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से BGA सपोर्ट करता है मैं आपको बता दूँ। BGA 529, 168, 100 जैसे ये फीचर फोन को सपोर्ट करता था, BGA 254 जो अभी नई ICs आ रही हैं जितनी भी मार्केट में, BGA 221 जो MMCP आपकी जिसमें रैम रोम दोनों दिया हुआ है, 169, 153, 186, 162 लगभग सारे, मतलब आपका पूरा एंड्रॉयड उसमें MMC MMCP 2018 से पहले तक बनने वाली मैन्युफैक्चरिंग सारी MMC कवर कर लेगा। तो ये आपका बेनिफिट एक आपको पड़ेगा, तो ये आपको सबसे बेनिफिट ये पड़ेगा कि आपको पास एक अलग से अडेप्टर होगा। अगर मान लो आपका इजी जेटेक का खराब भी हो जाता है तो आप इसका यूज कर सकते हो, प्लस आपको 254 के अडेप्टर भी मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं इसके साथ में क्या क्या आपको मिलेगा। इसके साथ देखिए इस तरह का एक आपको अडेप्टर के नीचे जो सॉकेट है रखने के लिए आपको आएगा, ये UFI को भी सपोर्ट करता है, अगर आप UFI चलाते हैं तो भी आप इसको जरूर खरीदिए। और आप इसमें देखिए एक सिंगल अडेप्टर सारी वर्किंग, जैसे यहाँ पे BGA 100 221 और यहाँ पे BGA 136 186 मतलब सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दे दी हैं। ये देखिए यहाँ पर BGA 254 और 526 तो सारी BGA इन्होंने यहाँ पर डाली हुई हैं। तो दोस्तों ईमेट किस किस को सपोर्ट करता है, तो आप जैसे कि देख रहे होंगे ये सपोर्ट करता है इजी जेटेक, UFI, मेडूसा, उसके अलावा भी बहुत सारे जो अदर बॉक्स हैं, ATF हो गए, और भी दोस्तों बहुत सारे बॉक्स हैं, पर अभी मार्केट में जो रनिंग बॉक्स है जो अपडेटेड हैं वो हैं UFI और इजी जेटेक सबसे ज़्यादा। हालांकि UFI लोग चलाते हैं पर मैं फिर भी बोलूँगा इजी जेटेक सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप MMC कर रहे हैं और आप ईमेट खरीद रहे हैं, आपने खरीद लिया इजी जेटेक प्लस या आपने खरीद लिया UFI, तो आप खरीदेंगे, अब आपने सेलर से बोलते हैं कि भैया मुझे ईमेट चाहिए, आपने बोला हाँ ठीक है, कितने का पड़ेगा, वो पड़ेगा 8,000 रुपये का जो आपको जेटेक्स मलिक देंगे। अब बाकी लोग कितने का देंगे मुझे नहीं पता है, आप मार्केट में जाके पता कर सकते हैं। 8,000 रुपये का आपको मिल जाएगा, कुरियर चार्ज फ्री है, ऑलमोस्ट जितने का भी प्राइस बता रहा हूँ सबके कुरियर चार्ज फ्री है, 8,000 रुपये का पड़ जाएगा लेंगे। अब आप सोचेंगे भैया इसमें 13.1 में UFS का चिप नहीं है, सर आपने मेरे साथ धोखा दिया है, आपने मेरे साथ धोखा किया, UFS नहीं है, ऐसा कि ऐसा नहीं होता है, आप बेकार सेलर, ऐसा कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, पूरा नॉलेज रखो यार, आप क्या खरीद रहे हो, ईमेट खरीद रहे हो, आप UFS नहीं खरीद रहे हो। ईमेट सिर्फ MMC और MMCP को ही सपोर्ट करता है, इसमें हाई स्पीड अडेप्टर आपको मिल जाते हैं, इसका ISP अडेप्टर भी हाई स्पीड 3.0 को सपोर्ट करता है, और ये सिर्फ एक अडेप्टर है और कुछ नहीं है दोस्तों, ये कोई प्रोग्रामिंग बॉक्स नहीं है, ये सिर्फ एक बस लाइन है, आप समझिए ये तो भी आपका मेन बॉक्स है और आपका जो फोन है उसको कनेक्ट करता है, बस स्पीड बहुत अच्छी है। सो आप समझ गए होंगे, और ये IC फ्रेंड मॉड की इस तरह से कंपनियों का आता है।
तो दोस्तों यहां पर अब मैं आपको बताना चाहता हूं यूएफएक्स के बारे में। बहुत से लोग सोचते हैं, जैसे मैंने बताया है कि ईमेट के अंदर यूएफएक्स आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईमेट के साथ यूएफएक्स नहीं आता है, वो अलग से परचेस करना पड़ता है। अब जैसे यूएफएक्स कितने का, जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे यूएफएक्स 2-in-1 वो बता रहा है, जिसमें VGA 153। पहले मैं आपको बता दूं कि यूएफएक्स में कितने सारे बीजीए आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यूएफएक्स में 3 बीजीए अभी आते हैं, 3-in-1 जिनको हम सॉकेट बोलते हैं। एक होता है आपका 153 और एक होता है आपका 254 और एक है आपका BGA 95। तो जैसे कि यहां पे आप देख रहे होंगे 254 प्लस 153 एक सिंगल बॉक्स में भी, एक सिंगल ई सॉकेट में आता है, जिसको आप उठाकर आप उसको चेंज करके लगा सकते हैं। BGA 95 एक अलग एक सिंगल एडेप्टर आता है। सो अगर आप 2-in-1 खरीदना चाहते हैं, आप चाहते हैं मुझे BGA 95 नहीं खरीदना है मुझे, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं BGA 153 और 254, ओनली सिर्फ 2 बीजीए खरीदना चाहते हैं UFS, तो आपको मिल जाएगा 13,900 रुपए का। पर अगर आप सिंगल बीजीए खरीदना चाहते हैं ओनली 254, तो आपको मिल जाएगा 10,000। मैंने बोला कोरियर फ्री है सबके, ठीक है, 10,000 रुपए का। और अगर आप तीनों खरीदना चाहते हैं UFX के, आपको खरीदना है 254, 153 और BGA 95, तो दोस्तों ये आपको पड़ जाएगा UFS कंप्लीट 23,500 रुपए का। पर अगर आप ईजी जेटेक प्लस खरीदते हैं और साथ में 2-in-1 बीजीए खरीदते हैं, अगर आपको ईजी जेटेक चाहिए साथ में 2-in-1 बीजीए चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा 29,500 रुपए का। जी हाँ, 29,500 का, मतलब आपको ईजी जेटेक भी मिल रहा है प्लस आपको 2 UFX मिला है। ईमेट नहीं है उसमें, ध्यान रखिएगा ईमेट नहीं है, ईमेट आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। अब आप बोलते हैं सर मुझे ईमेट भी चाहिए, मुझे ईमेट भी चाहिए, मुझे UFS भी चाहिए, मुझे ईजी जेटेक भी चाहिए, मैं नया स्टूडेंट हूं, मैंने नया सीखा है और पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सारी चीज खरीदना है क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी काम हाथ से जाए। तो दोस्तों आपको लेना पड़ेगा कंप्लीट फुल पैकेज, जो कि ZS मलिक ने यहाँ पैकेज जो बनाया वो है 50,000 रुपए का। इसके अंदर आपको ईजी जेटेक प्लस मिल जाएगा रेड वर्जन के साथ, और आपको मिल जाएगा UFS 3-in-1, और आपको मिल जाएगा EMIT 13-in-1 सॉकेट। मतलब आपको एटलीस्ट सारे आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, और ये आपका से 50,000 का, जिसमें भी कूरियर फ्री है, लिमिटेड स्टॉक है दोस्तों इसके। जितना जल्दी हो सके तो आप इनसे कांटेक्ट करें और ये परचेस करने की कोशिश करें। ताकि अगर आपको कहीं और से भी खरीदना है तो आप बिल्कुल वहां जाइए और रेट पता कीजिए, अगर आपको अच्छा रेट मिल जाता है तो जरूर खरीदिए। पर हमेशा ध्यान रखिए जो भी सेलर से आप खरीद रहे हैं वो ऑथराइज होना चाहिए। मतलब ऐसा आजकल फेक सेलर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उनसे बचिए, क्योंकि हो सकता है आपका बॉक्स 2 महीने तो काम करे और 2 महीने बाद काम करना ही बंद कर दे, तो क्या करेंगे आप? क्योंकि कई बार ऐसे अकाउंट जो होते हैं, ये कंपनियां इन सेलर के बेचे गए बॉक्स की जो सर्वर आईडी होती है वो बंद कर देती है, ब्लॉक कर देती है, और उसमें घाटा आपका होगा, वो तो आपका फोन भी नहीं उठाएगा, घाटा आपका हो जाएगा। तो कम पैसे और थोड़ा बहुत बचाने के चक्कर में मत रहिए, एक जेन्युइन पर्सन से ही खरीदना। तो दोस्तों कम पैसे खर्च करके बुद्धिमानी का प्रतीक बनकर कोई फायदा नहीं मिलता, आगे जाके नुकसान ही होता है। थोड़ा सा पैसा ज्यादा दो, पर मैं बोलता हूँ किसी भी सेलर से खरीदो, एक अच्छे सेलर से खरीदो जो कि जिसका नाम हो मार्केट में, जो ऑलरेडी बहुत सालों से काम कर रहा हो, उसी से खरीदो। क्योंकि आप किसी भी नवे, और आपको नहीं पता ये कौन है और वो बेच रहा है थर्ड वन, और मान लो कल को कंपनी ने उसकी सारी सर्वर आईडी बंद करवा दी है, तो आपका बॉक्स तो हाथ में रह गया ना आपके, आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कर चुके ऑलरेडी, मैं उनको बोलता था कि भाई इनसे खरीदो उनसे खरीदो, वो कभी, उन्होंने, उनका ही दिमाग चलता था, वो हमेशा सोचते थे नहीं मुझे सस्ता मिल जाए और सस्ता, और उनको मिल गया, और वाकई में सच बताया दोस्तों 2-3 महीने के बाद उनका बॉक्स चलना बंद हो गया। अब उनको फिर से पूरा पैसा लगाना पड़ा, सिर्फ 2,500 रुपए बचाने के चक्कर में उन्होंने अच्छा खासे की अपनी अच्छा खासा नुकसान करा लिया। खैर, तो ये मैं आपको बता रहा चाहता था, आई होप कि आपको मैं यहां पे बता चुका हूं। तो दोस्तों अगर मैं बताऊं ईमेट क्यों खरीदना चाहिए, जैसे कि मैं चर्चा कर रहा था मैंने यहां पे, तो बहुत सारी चीजें हैं सर, आपकी ये ईमेट ओवर करंट से आपको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है। प्लस इसके साथ में आप रीड और राइट की जो स्पीड देख रहे हैं 19.6 MB/s, ये राइट की स्पीड आपको दे सकता है, और 25.3 MB/s ये आपको रीड की स्पीड दे सकता है। वर्जन के साथ यहाँ पे बताया है कि वर्जन 4.1 और एक वर्जन 5 इसके आते हैं, 2 वर्जन है। और सबसे मेन क्यों खरीदना है भाई, राइट बूट को राइट करने के लिए ROM 2 ROM 3 तो चुटकी में राइट कर लेते हैं, पर बात आती है ROM 1 की, तो उसको राइट करने के लिए हम सोचते हैं यार 4 GB डम निकाल लें, 2 GB डम निकाल लें। ISP में तो हम
पूरा फुल डंप रीड करने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, ना ही हम कभी सोचते हैं यार चलो यार 10 GB या 8 GB या इतना जीबी का हम डंप बना लें, क्योंकि ISP में तो इतना स्लो, ज्यादा इतना स्लो होता है तो बीच में तो कट ही जाता है, बीच में तो और इवन उसमें एरर्स भी आ जाते हैं। तो जो ISP होते हैं वो काफी स्लो होती है, तो ये आपको हाई स्पीड देगा आपके बूट को राइट करने के लिए, तो ये सबसे बेस्ट है। सो अगर आप इमेज परचेस करेंगे तो आपका फायदा ही होगा, आपको एक अलग से एक अलग सॉकेट भी मिलेगा कि कल को कोई सॉकेट खराब भी हो जाता है तो इमेज का सॉकेट भी आप यूज कर सकते हैं। जो कि आप UFI खरीदते हैं तो UFI के साथ भी सॉकेट आते हैं, पर इमेज के भी अलग सॉकेट हैं और वो भी अपने ही अलग स्पीड के वर्जन के साथ। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ में आई हो मेरी, मैंने आपको यहां पे बताया कि EasyJTEC प्लस रेड और ब्लैक वर्जन में क्या अंतर है। मैं फिर से आपको बता दूं, EasyJTEC प्लस रेड और ब्लैक में कुछ अंतर नहीं है। रेड केबल 3 आपके ISP अडेप्टर के साथ अलग से आता है जो कि हाई स्पीड 3.0 को सपोर्ट करते हैं। फिर उसके साथ मैंने बताया है कि ईमेट हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, उसमें आपको अच्छी स्पीड मिलेगी, जैसे मैंने बताया प्रोटेक्शन आपको अच्छा मिलेगा, ओवर करंट प्रोटेक्शन उसमें मिलता है आपको, और आपको अलग से अडेप्टर्स आपको मिल जाते हैं, पर वो UFS सपोर्ट नहीं करता है। आपको UFS अगर लेना है, अगर आपको UFS का काम करना है तो आपको UFS अलग से परचेस करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया UFS 3 आते हैं चिप में, एक UFS BGA 95, एक 153, 254 जो सबसे ज्यादा मार्केट में चल रहा है वो 254 है, इसलिए वो सिंगल में भी बिकता है, वो सिंगल में भी बिकता है, आप उसको सिंगल में भी परचेस कर सकते हैं UFX 254। तो ये आपको मिल जाएगा ₹10,000 का, और अगर आप दोनों के साथ परचेस करेंगे तो वो आपको 13,900 का, और अगर आप कंप्लीट 3-in-1 परचेस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 23,500 का। और दोस्तों जितने भी जो मैंने रेट बताए, अगर आप JTEC मलिक से परचेस करते हैं तो उन्होंने कहा है कि भाई कूरियर चार्ज आपसे नहीं लेंगे, ठीक है। सो ये पूरी डिटेल थी आपको बताने की, आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया और आपके कंफ्यूजन दूर हो गए हो कि भाई क्या होता है UFX। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूं कि UFI UFS को सपोर्ट नहीं करता है। सो अगर आपके पास UFI है और आप UFS खरीदना चाहते हैं तो वो अभी फिलहाल सपोर्टेड नहीं है, हो सकता है कि UFI अपने नए वर्जन के साथ आए जो UFS को भी सपोर्ट करे, क्योंकि बनता है 2018 के बाद मैन्युफैक्चरिंग UFX, अभी 2018 के बाद में मैन्युफैक्चरिंग अब UFX सबसे ज़्यादा कर रहा है, और जितनी भी आप MMC आप देख रहे हैं और जितनी भी आप अभी प्रोग्रामिंग देख रहे हैं वो UFS चिप में हो रही है। और जैसे कि अगर आपको आगे अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो आप कैसे काम करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए जितना अपडेट हो उतना ही अच्छा। दोस्तों अगर आपने MMC ट्रेनिंग नहीं ली है या आपने ऑनलाइन कहीं से ली है और आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, आज भी आपको कहीं ना कहीं IC उठाने में दिक्कत आ रही है, ब्लैक पेस्टेड आया है, इस तरह के काम करने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं खास MMC ट्रेनिंग के लिए, जो कि 10 दिन का आपका कोर्स है जिसमें हम आपको प्रैक्टिकली पूरे 10 घंटे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ग्लू काटने, आपको किसी भी प्रकार की स्वैपिंग हो या फिर MMC को आपको किस तरह से प्रोग्रामिंग उसकी कर सकते हैं, और जितने भी आपको मैं यहाँ पे कोई नंबर नहीं बोलूंगा कि 10 सेट लाओ 15, आप बोरा भर के सेट लाओगे ना तो वो आपसे बनवाएंगे क्लास में, प्रैक्टिकल एक रियल ट्रेनिंग, ना कि एक ऑनलाइन पढ़ी लिखी वाली बात है। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये बातें मेरी पसंद आए और आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिला हो। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू वेरी मच, आने वाले समय में और अपडेट मिलने वाले हैं आपको, तो बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको, आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा हमारे इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज़ सीखने के, तो सिलेबस तो हमारा बहुत सारा है, उसको एक वीडियो में बता पाना बहुत दिक्कत की बात है, इसलिए अगर आपको जानना है तो हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं www.acertelecom.info, या तो आप कर सकते हैं आप हमें कॉल कीजिए आप, और क्योंकि इससे ऊपर भी आपको किस तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि बहुत हद तक भी एक वेबसाइट में डालना एक चीज़ है पॉसिबल नहीं हो पाती है। दूसरी बात, आपको क्या मिलेगा जो एक बेस्ट आपको बताएगा, जो कि कोई दूसरा शायद ही दे पाए, तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा नंबर 1 पे, यहां पर आपको दिख रहा होगा वो है इंस्टेंट कॉलिंग सिस्टम। मतलब दोस्तों क्या होता है कि मोबाइल की फील्ड ना इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, ये बिल्कुल नई नई चीज है, हर दिन 10,000 टाइप के नए मोबाइल नए सर्किट आ रहे हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल रेडमी नोट 8 की बात करें, उसमें जो लाइट ऐसी आ रही, मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को नॉलेज होगी, पर जिनको नॉलेज है वो अपडेट हो रहे होंगे, पर उनका क्या जो सिर्फ 6 लैग की IC सीख कर चलेगा या 12 बॉल या 9 बॉल, तो उसके ऊपर क्या, मतलब 16 लैग उसके ऊपर क्या,
तो वही चीज है, एक स्टूडेंट को एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए जो अपडेट देता हो, जो आपको लगता हो समय समय पे आपको अपडेट दे रहा हो, जो आपको एक बार सिखा के छोड़ ना दिया हो। क्योंकि दोस्तों सिखा तो हम बहुत बेस्ट देते हैं, आपको तो पता ही, हमने इतने स्टूडेंट पढ़ाए हैं, हमने 1000 स्टूडेंट से ज़्यादा हमने अपने इंस्टीट्यूट में लोगों को पढ़ाया है, और बहुत अच्छा हमारा बैकग्राउंड और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के साथ। पर दोस्तों मैं सच बताऊं कि नंबर वन पे आपको मिलेगा इंस्टेंट कॉलिंग सर्विस, मतलब यहां से जाने के बाद अगर आप अपनी दुकान पर बैठे हैं तो अपने टीचर, कोई से भी टीचर को कोई भी स्टूडेंट कॉल लगाएगा तो ऑब्वियस है कि वो पढ़ा रहा होगा उस टाइम पे, तो वो कैसे कॉल उठाएगा। सो आप इंस्टेंटली कॉल सर्विस में हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं उस टाइम पे, और वहां पे आप EMMC लेवल तक के आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं जो आपको बहुत हद तक सोल्यूशन देंगे, और उसके बाद तो फिर हम बैठे ही हैं। तो दूसरे नंबर फिर आपको मिलेगा यहां पर, दूसरे नंबर पे आपको जो मिलेगा जूम ऐप के थ्रू, ये सबसे मेन अपडेट है। एक तो इंस्टेंट, ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल पे अपडेट, दूसरा हो गया जूम ऐप। जूम ऐप में दोस्तों हम पर्टिकुलरली खुद टीचर आकर हर महीने में अपने हर बैच के स्टूडेंट को अपडेट करते हैं। जैसे लाइट सेक्शन हो गए, अब लाइट में क्या नया लाइट आया, कौन सा सेक्शन नया लाइट में आ गया, जैसे Redmi Note 8 Pro की मैंने बात की है, अभी कौन सा आ रहा है, या पावर IC के अंदर उसमें और क्या क्या सर्किट बन रहे हैं। सो ये सेक्शन को हम पूरा उनको विजुलाइज करके पूरा उनको सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वर्क ऑफ फ्लो बोलते हैं जिसको, उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं ताकि उनको पूरा इनपुट आउटपुट EN जो भी उसकी कमांड लाइन है, जो भी I2C या जो भी उनके अलग प्रोटोकॉल, जो उनकी सप्लाइयाँ हैं, वो सारी सप्लाइयाँ उसमें हम शेयर करते हैं उनके साथ में। तीसरा यहाँ पे आपको मिलेगा जो ग्रुप के साथ, जो नॉर्मली हर इंस्टीट्यूट दे ही देता है व्हाट्सएप ग्रुप में आप एवरी टाइम, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट और भी होते हैं जो अपना भी शेयर करते हैं डाटा, और आपका आपसे भी डाटा वो लेते हैं और उससे सीखते हैं। सो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंस्टीट्यूट में, जो बहुत बड़ी लेवल पे है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप ये सोच के, आप ये मान के चलिए कि हम आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपने एक मेहनत से पैसा क्योंकि हम जानते हैं कि आपने मेहनत से पैसा कमाया, और मेहनत से पैसा कमा कर आपने एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। यहां हम आपको साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अपडेट बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में। सो जरूर इसी तरह, थैंक यू वेरी मच, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। और कंपोनेंट के बारे में क्या कहना था? चीज दिखा रहे हैं, हालांकि स्पेशल नहीं है, कॉमन है, फिर भी एक हम हमेशा वीडियो में एक क्रिकेट तरीको और फिलो तरीको आने वाले समय में देने वाले हमारे खेल। और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए एक महीना भी बहुत है। ठीक है, एक बार जोर से क्लैप कर दीजिए इनके लिए, IC लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। And also 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.